हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसके नोट्स जो हैं वो बुक फॉर्म में बनाए हुए हैं, तो उसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। नोट्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप चाहें तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर आप चाहें तो वहां से इसको परचेज भी कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल है। तब एक बार वहां जाकर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है अब वहां जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो क्या करता है, आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने के साथ साथ उसका क्या करता है, निदानात्मक उपाय भी सुझाता है। तो यहां पर आपको तीन बातें समझनी है, सामाजिक विज्ञान, समस्याओं का विश्लेषण और निदान। देखिए, जो विज्ञान है जैसे कोई साइंस है वो क्या करेगा, समस्या का कारण पता करेगा, उसकी जांच करेगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरे को 4 दिन से बुखार है, तो डॉक्टर उसकी जांच करेगा, उसका टेस्ट करेगा होमोग्लोबिन का या जो भी टेस्ट उसको करना हो वो जांच करेगा, और उसके बाद उसकी जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग उसका निदान करेगा, समस्या का सॉल्यूशन करेगा। इसी तरीके से अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान इसलिए क्योंकि यह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो सामाजिक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र क्या करता है, आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करता है, यानी कि आर्थिक समस्या का विश्लेषण मतलब उसकी जांच करता है, जो भी प्रॉब्लम है उसकी जांच करता है और जांच करने के साथ साथ उस समस्या को सॉल्व करने के उपाय भी सुझाता है, यानी कि बेरोजगारी के क्या कारण है ये भी अर्थशास्त्र पता करेगा और बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर कर सकते ये भी अर्थशास्त्र बताएगा, मंदी या तेजी के क्या कारण है ये भी अर्थशास्त्र बताएगा और किस तरीके से इसे दूर कर सकते ये भी बताएगा। तो अर्थशास्त्र की ब्रांचेस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है, कुछ लोग कहते हैं अर्थशास्त्र वास्तविक और आदर्शात्मक है। तो अगर हम बात करें वास्तविक अर्थशास्त्र की, तो वास्तविक अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने तक सीमित है, यानी कि ये तथ्यों के आधार पर या सांख्यिकी जांच के आधार पर आपको ये प्रूव करेगा या ये बताएगा कि आपके जो विश्लेषण आपने जो किया वो है क्या। मतलब जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी की जो दर है वो 2.5% है, तो ये जांच किसी ना किसी तथ्यों के आधार पर होगी। हम सही और गलत की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब सही अर्थशास्त्र है, वास्तविक अर्थशास्त्र गलत भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भारत की जनसंख्या 200 करोड़ है, तो 200 करोड़ तो नहीं है लेकिन ये भी वास्तविक अर्थशास्त्र में ही आएगा क्योंकि इसके तथ्यों की जांच हम कर सकते हैं, यानी कि जिसको वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी जांच कर सकते हैं, जो किसी समस्या का विश्लेषण करता है उसको कहते हैं हम वास्तविक अर्थशास्त्र। तो वास्तविक अर्थशास्त्र क्या करेगा, किसी भी समस्या के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराएगा, उसके तथ्य प्रोवाइड कराएगा, आपको पूरा विश्लेषण करके बताएगा, लेकिन उसकी सत्यता की जांच आप कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा वजन 500 किलोग्राम है, तो आप इसकी जांच कर सकते हो, वजन तुलवा लो आपको पता चल जाएगा कि 500 किलोग्राम है कि नहीं है। तो एक वास्तविक अर्थशास्त्र केवल इस बात पे आपको फोकस करना है कि वास्तविक अर्थशास्त्र में आप केवल तथ्यों की जांच सही और गलत में आप कर सकते हो, और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आपको निदान करेगा, आपको सुझाव देगा जिसकी सत्यता की जांच आप नहीं कर सकते, जिसको आप प्रमाणित जांच इसकी कोई भी नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा स्कूल लेवल पे ही शुरू कर देनी चाहिए, तो ये जो है ये सुझाव है, इसको बोलते हैं हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या करेगा, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आपको किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, किसी भी समस्या को दूर करने के आपको सुझाव देगा। तो वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में एक बेसिक अंतर क्या हुआ कि वास्तविक अर्थशास्त्र तथ्यों के आधार पर, सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर आपको समस्या की जो परेशानी है उसके तथ्यों की जानकारी प्रोवाइड करेगा, और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको सुझाव देगा। तो वास्तविक अर्थशास्त्र का अर्थ हमने समझ लिया। अगर हम इसके अंतर करते हैं तो वास्तविक अर्थशास्त्र क्या करता है, किसी भी आर्थिक विश्लेषण की
समस्या की आपको सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर जांच करेगा। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो है वो क्या करेगा, किसी भी समस्या को निदान करेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध की अगर हम बात करें तो वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध है कि समस्या क्या थी, क्या है और क्या होगी। जैसे जनसंख्या क्या थी, अभी क्या है और भविष्य में क्या होगी। सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर हम ये जांच कर सकते हैं कि वर्तमान जनसंख्या का अगर यही ट्रेंड रहा तो फ्यूचर 2050 में कितनी जनसंख्या होगी। तो ये सब समस्या है, अब होगी कि नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन हम जांच कर सकते हैं। तो वो उसको कहते हैं हम वास्तविक अर्थशास्त्र। और क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। यानी कि इसका संबंध है वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध है, क्या था, क्या है और क्या होगा, और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का संबंध है क्या होना चाहिए। मूल्यगत निर्णय, वैल्यू जजमेंट की बात करें तो वास्तविक अर्थशास्त्र वैल्यू जजमेंट नहीं करता, वो ये नहीं बताता कि ये सही है या गलत है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र उसका वैल्यू जजमेंट करके देगा कि ये सही है या गलत है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, वास्तविक अर्थशास्त्र वो केवल आपको समस्या बताएगा, उसके सही गलत के बारे में, उसके मॉरल इमोरल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। ये सारा काम करेगा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आपको वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड कराएगा। चौथा एग्जाम्पल तो हम ऑलरेडी बहुत सारे समझ चुके हैं, दो एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए भारत में बेरोजगारी की दर 6% है, ये वास्तविक अर्थशास्त्र है क्योंकि आप इसकी जांच कर सकते हो। बेरोजगारी को दूर करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड कराना सरकार को बंद कर देना चाहिए, या स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। ये सारे के सारे हमारे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहलाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही।